खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन द रेवोल्यूशन इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आप करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप प्लान तो फ्लाई अपीरन बनाएगा आपके सफर को और भी आसान। फ्लाइट होटल और कैब बुकिंग में नहीं होंगे परेशान, अब बिना किसी मुश्किल के होगा आपका ट्रैवल प्लान। फ्लाई अपीरन बनाएगा आपके हॉलिडे को और भी सरल और आसान। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली हॉलिडे या फिर कॉर्पोरेट टूर तो चुने फ्लाई अपीरन जो आपकी मुश्किलें करेगा दूर। फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ खबरें अब तक में। आज खबरें अब तक में बात होगी हाथरस के दर्दनाक हादसे की, संसद में पीएम मोदी के नए चेहरे की और राहुल के भाषण पर मचे घमासान के बाद कटे भाषण के अंश की। इसके अलावा आज की सियासत की बड़ी खबरों से भी करवाएंगे रूबरू, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। वीआरएस को बड़ा झटका, खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए केशव राव। वरिष्ठ राजनेता के केशव राव बुधवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। खड़गे ने राव को पार्टी का दुपट्टा लेकर सम्मानित करते हुए पार्टी में उनका स्वागत किया। भारत पाकिस्तान मुकाबला लाहौर में हो सकता है, संभावित तारीख 1 मार्च, BCCI की मंजूरी का इंतजार। 1996 के बाद पहली बार पाकिस्तान किसी बड़े ICC टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। हालांकि उसने 2008 में पूरे एशिया कप की मेजबानी की थी और पिछले साल भी इसी टूर्नामेंट के कुछ मैच अपने सरजमी पर कराए थे। सीवान ने एक दिन में बनाया 3 पुल टूटने का रिकॉर्ड, 200 गांव प्रभावित, पूरे रास्ते पूरी तरीके से बंद। सीवान जिले में एक दिन 3 पुल टूट गए, जिसमें एक तो 5 साल पुराना था। पुल टूटने से 200 गांवों की हजारों की आबादी प्रभावित हो रही है, इसे लेकर ग्रामीणों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। मेघालय में शुरू हुआ भारत मंगोलिया का संयुक्त युद्ध अभ्यास, सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है मकसद। भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आज मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ। 16 जुलाई तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य अर्ध शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में तत्काल कार्यवाही के लिए संयुक्त सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना है। शेयर बाजार में हरियाली, सेंसेक्स 80 पार के करीब हुआ बंद, निफ्टी 24,287 पर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को मजबूती देखी गई। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 545 अंकों की मजबूती के साथ 80,000 के करीब पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 162 अंक उछल कर 24,286 के स्तर पर बंद हुआ। हेडलाइंस के बाद अब एक बार फिर स्वागत है आपका। रिपोर्ट्स की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की वायरल वीडियो दिखाते हैं। देखिए ये वीडियो।
ये वीडियो है हमारी संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। जी हाँ, राहुल गांधी जो विपक्ष की पहचान है, इस वक्त वो सदन में कैसा व्यवहार कर रहे हैं इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। पीएम मोदी को कल भाषण के दौरान परेशान करने के लिए खुद राहुल गांधी द्वारा गठबंधन के सांसदों को वेल में जाने के लिए कहने वाला ये वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सांसदों को हंगामा करने के लिए उकसा रहे हैं। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर सवाल किया जा रहा है कि क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के संस्थागत पद के लायक हैं? क्या उन्होंने संसद की गरिमा को हानि नहीं पहुंचाई है? फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स की ओर। मौत, ये उस चिड़िया का नाम है जो कब सिर पर आकर बैठ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या आपने किसी को मौत को बुलाते हुए देखा है? हाथरस में जिन सैकड़ों इंसानों की मौत हुई है, उनके लिए एक बाबा ने मौत को न्योता दिया था, जिसके बाद मौत आई तो जन त्रासदी में बदल गई। एक साथ सैकड़ों लाशें बिछ गई। बाबा के सत्संग का स्थल शमशान में बदल गया। हर जगह त्राहिमाम होने लगा। ऐसे में जिस बाबा ने अपने भक्तों को बुलाया था, वो फरार हो गया। जी हाँ, कलयुग में अगर इंसान किसी बाबा को भगवान मानेगा तो ऐसा ही होगा। जो लोग बाबा की चरणों की रज पाने के लिए बेकाबू हो गए, उन्हीं भक्तों को छोड़ बाबा फरार है। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए हाथरस में होने वाले कांड की वजह बने भोले बाबा की असली कहानी। ये चीख पुकार, ये लाशों का मंजर, ये बिलकते इंसान और अफरा तफरी एक सत्संग के बाद की है। वो सत्संग जो सैकड़ों लोगों की मौत लेकर आया, वो सत्संग जिसने हजारों लोगों की जिंदगी की खुशियां छीन ली। जी हाँ, हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। मामले की जांच के दौरान जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि भीड़ उस वक्त अनियंत्रित हुई थी जब वहां मौजूद श्रद्धालुओं में बाबा के चरण रज व पैर छूने की होड़ लग गई थी। हर श्रद्धालु किसी तरह भी बाबा के पास पहुंचना चाह रहा था। इसी वजह से एकाएक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ की वजह से ये हादसा हुआ, जबकि कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। हाथरस की इस घटना ने सबको झंझोर दिया है। अस्पताल के बाहर लाशों के ढेर पड़े हैं, रोते बिलकते परिजन, पुलिस प्रशासन और सरकार जख्मों पर मरहम लगाने में जुट गई है। शवों की पहचान की जा रही है। वही बात की जाए कि ये सब किसने किया है, नाम सबसे पहले उस बाबा का आता है जो इस हादसे के बाद फरार है। जी हाँ, हाथरस में मौत का सत्संग कराने वाला बाबा अपने फॉलोअर्स को देखने तक नहीं आ रहा, वो पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। दरअसल ये सत्संग नारायण साकार हरि नाम के कथावाचक का था, जिसके पोस्टर हाथरस की सड़कों पर लगाए गए थे। इस कथावाचक को लोग भोले बाबा और विश्व हरि के नाम से भी जानते हैं। सत्संग वाले बाबा की असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सूरजपाल जाटव के नाम का पूर्व पुलिस कांस्टेबल था, जिसने नौकरी छोड़कर ये रास्ता अपनाया और देखते देखते लाखों भक्त बना लिए। बताया जा रहा है कि ये बाबा नारायण साकार हरि एटा जिले से अलग हुए कासगंज जिले के पटियाली के बहादुरपुर गांव का निवासी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में ये स्थानीय अभिसूचना इकाई में तैनात रहा और करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले के कारण निलंबन की सजा मिली। निलंबन के कारण सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। जब पुलिस की सेवा से आजाद हुआ तो उसने अपने गांव पहुंचकर भगवान से कांटेक्ट होने का दावा किया। धीरे धीरे उसने सफेद कपड़े पहनकर अपनी पहचान बनाई, फिर आसपास की महिलाओं के लिए बाबा बन गया।
उसके बाद सूरजपाल ने अपने आगरा के केदार नगर में बनी एक छोटी सी कुटिया से ही भोले बाबा बनकर सत्संग और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में सफेद कपड़ों वाले बाबा के नाम से पहचान बना ली। कुछ सालों के अंदर ही उसके भक्त उसे कई नामों से बुलाने लगे और बड़े बड़े आयोजन शुरू हो गए जिनमें हजारों लोग शरीक होने लगे। लेकिन इन सब के बीच एक बेहद हैरानी की बात यह है कि नारायण साकार अपने भक्तों से कोई भी दान दक्षिणा और चढ़ावा आदि नहीं लेता है, लेकिन इसके बावजूद उसके कई आश्रम स्थापित हो चुके हैं। अब कल जहां हाथरस में हादसा हुआ वहीं बाबा फरार हो चुका है। इस हादसे की अभी तक की जांच में पता चला है कि आयोजकों ने प्रशासन को बताया था कि इस सत्संग में 80,000 के करीब भीड़ जुट सकती है। प्रशासन ने इतने लोगों के हिसाब से ही आयोजन करने की अनुमति दी थी, लेकिन जांच में अब ये बात निकल कर सामने आ रही है कि सत्संग के दौरान 80,000 से कहीं ज्यादा लोग मौजूद थे। देखा जाए तो अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसे बाबाओं की वजह से कब तक मासूम लोगों की जानें जाएंगी, कब तक लोग इनके चंगुल में फंसते रहेंगे। इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है, योगी सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन ऐसी त्रासदियों को राजनीतिक रंग नहीं दिया जा सकता। ऐसी त्रासदियां प्रशासन और व्यवस्थापकों की लापरवाही और आयोजकों के अंधेपन के कारण होती हैं। ऐसे बाबाओं के मनमाने ढंग से अपना बिजनेस चलाने के कारण होती हैं। बाबा का कार्यक्रम हॉल में रखा गया था, आखिर इतनी बड़ी संख्या को हॉल में बुलाने की अनुमति क्यों दी गई थी? कई सवाल प्रशासन पर भी उठते हैं, वहीं बाबा तो सवालों के घेरे में हैं ही। अब इस मसले पर प्रशासन कब तक बाबा को खोज पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। जब से नई सरकार के गठन के बाद संसद सत्र शुरू हुआ है, तब से एक दिन भी हंगामे के बिना नहीं गुजरा। लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में वाद विवाद और हंगामे में ही दिन गुजरा। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। राज्यसभा में जब पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो विपक्षी सांसदों ने विरोध किया, नारे लगाए और यहां तक कि वॉकआउट किया। विपक्षी सांसदों का कहना है कि विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बिना रोक टोक बोलने का अवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, बल्कि मर्यादा छोड़कर गए हैं। उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, बल्कि संविधान को पीठ दिखाई है। विपक्ष के इस हंगामे के बीच पीएम मोदी की कल की एक वीडियो वायरल हो गई जो विपक्ष के मुंह पर तमाचा मारती नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का राज्यसभा में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 साल के बाद किसी एक सरकार की लगातार फिर से वापसी हुई है और मैं जानता हूं कि भारत के लोकतंत्र में 6 दशक बाद भी ये घटना असामान्य घटना है। देश की जनता ने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाए जाने के फैसले का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि संविधान के प्रति हाथ में घूमने वाले लोगों ने इसका भी विरोध किया था। सदन में मौजूद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर आपत्ति जताई और आसन से अपना पक्ष रखने का आग्रह किया। हालांकि सभापति जगदीप धनखड़ ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने हंगामे के बीच ही अपना संबोधन जारी रखा और कुछ देर बाद विपक्षी सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। लेकिन इसी बीच एक वीडियो कल की सामने आई जब लोकसभा में पीएम मोदी अपना भाषण दे रहे थे और विपक्षी जमकर हंगामा काट रहे थे। इसी बीच पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया जिसने सभी का दिल जीत लिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज कई बार लोगों को हैरान कर जाता है। इस वक्त जहां पीएम मोदी अपने अंदाज से विरोधी सांसदों को हक्का बक्का कर रहे हैं, ऐसे में कल उन्होंने लोकसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा के दौरान नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे से ज्यादा भाषण दिया।
विपक्षी पार्टी के नेता पीएम मोदी के भाषण का विरोध कर रहे थे, जोर जोर से नारे लगा रहे थे, लेकिन मेल में जाकर नारेबाजी कर रहे सांसदों को पीएम मोदी ने पानी का ग्लास ऑफर किया ताकि वो पानी पी सकें। पीएम मोदी ने सबसे पहले कांग्रेसी सांसद मणिकम टैगोर को पानी का ग्लास ऑफर किया, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। फिर उन्होंने दूसरे सांसद हिबी ईडन को पानी का ग्लास चढ़ाया, जिसे लेकर वो वीडियो में पानी पीते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर लोग इसे विपक्ष के प्रति पीएम मोदी का प्रेम बता रहे हैं। वाकई देखा जाए तो जहां संसद में बीते कुछ सालों से हर गरिमा का उल्लंघन हुआ है, वहीं ये वीडियो सदन में एक सकारात्मक मौजूदगी की ओर इशारा कर रहा है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग तरह के राजनीतिक संस्कार की वानगी पेश की, जिसे विपक्ष को भी जरूर सराहना चाहिए। फिलहाल अब बढ़ेंगे आगे। राहुल गांधी का एक बयान और तहलका मच गया। संसद सत्र में राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसा से जोड़ा और अपने लिए आफत बुला ली। भले ही राहुल गांधी केवल बीजेपी को हिंसक बता रहे हों, लेकिन बीजेपी ने अपने बयानों से जनता तक ये बात पहुंचा दी है कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं, जिसके बाद राहुल गांधी हर जगह छाए हुए हैं। सड़कों पर उनका पुतला फूंका जा रहा है तो कहीं कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ मची है। इसके अलावा संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी के भाषण के अंश को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। अब इसके बाद ये सवाल लाजमी है कि लोकसभा में किसी भी नेता के भाषण के अंश किस आधार पर रिकॉर्ड या कार्यवाही से हटा दिए जाते हैं, क्या इसके कोई नियम होते हैं? क्योंकि अब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि राहुल गांधी के भाषण के अंश को क्यों हटा दिया गया। तो चलिए ये रिपोर्ट देखिए। आमतौर पर लोकसभा में नेताओं के भाषण के रिकॉर्ड से आपत्तिजनक शब्दों, वाक्यों या भाषण के अंशों को हटाना एक सामान्य प्रक्रिया है और इसे निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता रहा है, लेकिन अक्सर इस पर विवाद भी उठता रहा है और कई बार विपक्षी नेताओं के भाषण के वो अंश मनमाने तरीके से हटा दिए जाते हैं अगर वो सत्ताधारी पार्टी को नागवार गुजरते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर नियम क्या है? तो आपको बता दें कि सांसदों को सदन के अंदर अपनी बात कहने की आजादी तो है, लेकिन कुछ भी कहने की आजादी नहीं है। इसमें अपमानजनक बातें, आपत्तिजनक शब्द, असंसदीय और गैर मर्यादित शब्द या बातें शामिल है। सांसदों का भाषण संसद के नियमों के अनुशासन, उनके सदस्यों की अच्छी समझ और स्पीकर द्वारा कार्यवाही के नियंत्रण के अधीन है। लिहाजा जब ये लगता है कि सांसदों के भाषण इस पैमाने पर खरे नहीं है तो उन्हें स्पीकर के संज्ञान में लाकर उन्हें हटाने का काम किया जाता है। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 380 में कहा गया है, यदि अध्यक्ष की राय है कि वाद विवाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो अपमानजनक या अशिष्ट या असंसदीय या अशोभनीय है, तो अध्यक्ष अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आदेश दे सकते हैं कि ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। नियम 381 कहता है, सदन की कार्यवाही का वो भाग है जो इस प्रकार हटाया गया है उसे तारांकन चिन्ह से चिन्हित किया जाएगा और कार्यवाही में निम्नानुसार एक व्याख्यात्मक फुटनोट डाला जाएगा, इसे अध्यक्ष के सामने लाया जाएगा और उनके आदेशानुसार हटाया जाएगा। अब बात करें राहुल के भाषण की, तो भाषण के कुछ अंशों, वाक्यों और शब्दों को संसद की मर्यादा के अनुसार सही नहीं माना गया, इसी वजह से उसे स्पीकर के आदेशानुसार कार्यवाही से हटा दिया गया। लेकिन विपक्ष ये मान रहा है कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन ये सत्ता पक्ष के अनुकूल नहीं था, लिहाजा निकाल दिया गया। इसी वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन ने स्पीकर को कड़ा पत्र लिखते हुए विरोध जाहिर किया है। विरोध करना लाजमी है क्योंकि कार्यवाही के हटाए गए अंश संसद के अभिलेखों से गायब हो जाते हैं, मीडिया द्वारा उन पर रिपोर्ट नहीं की जा सकती है, भले ही कार्यवाही के लाइव प्रसारण के दौरान उन्हें सुना गया हो। देखा जाए तो अब फिलहाल राहुल गांधी के शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद काफी बड़ा होता है, उसे सम्मान देना चाहिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि वो किस शब्दों का चयन कर रहे हैं। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा आज राजनीति में क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं। आज खबर निकलकर सामने आई कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर सीएम की कुर्सी संभाल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से आई खबरों में कहा जा रहा है कि सीएम चंपई सोरेन आज रात इस्तीफा दे सकते हैं। जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन का चुनाव से चंद महीने पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।
वहीं 2 जुलाई को लोकसभा में राष्ट्रपति के संबोधन पर चर्चा के बाद 3 जुलाई को प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में अपना वक्तव्य दिया। विपक्ष के वॉकआउट के पहले ही अपने संबोधन में उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए कि भाजपा ने चुनाव परिणामों से सबक लिया है, वह उस पर काम भी करेगी। इसके अलावा आज मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आज अपना पहला पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया। इस बार 3,65,067 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। सरकार ने 2024-25 के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है। इस बजट में महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान पर मुख्य फोकस किया गया है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, मगर जाते जाते एक बार फिर एक बात आपसे जरूर करेंगे। हाथरस में जो हादसा हुआ है उसने हम सबको झंझोर कर रख दिया है। हाथरस में स्वयंभू बाबा नारायण साकार हरि भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल शवों से पट गए हैं, मगर सवाल है कि क्या आम लोगों की जान इतनी सस्ती है कि हादसे पर हादसे होते रहते हैं, मौतें होती रहती हैं, लेकिन शोक की रस्म अदायगी कड़ी कार्यवाहियों के बुलबुला नुमा शोर से ज्यादा कुछ नहीं होता। ना हम सबक सीखते हैं और ना ही प्रशासन की नींद बीच बीच में इस तरह के हादसों के बाद ही टूटती है। अब समझना होगा कि हाथरस कांड का दोहराव ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आस्था के बेरोक टोक कारोबार पर अंकुश लगे। भीड़ को बाबा अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का औजार बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर अंकुश लगाना होगा। जरूरी है कि ऐसे कार्यक्रमों में लोगों की जुटान पर एक पाबंदी लगाई जाए। कोई एक संख्या तय करनी होगी जिससे ज्यादा भीड़ जुटाने की इजाजत किसी भी कीमत पर ना दी जाए। लेकिन सबसे जरूरी है प्रशासन का कुंभकर्णी नींद से जागना। आम लोगों को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। फिलहाल जाते जाते पेश है आज का सुविचार। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है।